गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. आई होप माई वॉइस इज ऑडिबल. अब सभी मेरा वॉइस को आवाज को सुन पा रहे हैं. एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए आपके पास अगर वॉइस क्लियरली है तो. जैसे कि 3 बज गए दोपहर के और मैं आज से हाजिर हो गई हूँ आप लोगों के साथ टॉप 50 MCQ लेकर. सो जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. जल्दी से जल्दी ये सेशन के साथ और भी आप लोग जुड़ जाइए ताकि आज की ये सेशन का जो मेन मोटो है कि हम लोग 50 MCQ 1 घंटे में ख़त्म करेंगे और वो जो MCQ होगा वो आपके बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन, ये सब कुछ लेकर. तो देवलीना क्लियर, ओके, थैंक यू. आकाश गुड आफ्टरनून, यस गुड आफ्टरनून, ऑल ओके. चलिए बढ़िया. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की एक एक करके सेशन की. हर एक जो क्वेश्चन है क्वेश्चन की लॉजिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. पर पहले तो ये है कि जल्द से जल्द ये सेशन को आप लोग और भी शेयर कर दीजिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आप लोगों के यहाँ पर भी बहुत ही तगड़ा एक कंपटीशन हो. और उसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे आज की ये टॉप 50 MCQ लेकर. जल्द से जल्द ये सेशन को आप लोग और से शेयर कर दीजिए आपके बाकी दोस्त सभी के साथ ताकि सभी लोग हम लोग आकर एकदम धमाकेदार एक सेशन कर पाए. और आज से एटलीस्ट जब तक हम आप लोगों का एग्जाम होगा 28 दिसंबर ऑनवर्ड्स, आप लोग जानते हैं 28 दिसंबर ऑनवर्ड्स आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं. तो आप लोग जल्दी से यहाँ पर आपका प्रिपरेशन तो ऑलरेडी चल रहा ही होगा. बस अभी के आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है कि अभी जो टाइम है थ्योरी बेस्ड नहीं, अभी हम लोगों को प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन पैटर्न क्या है ये सारी चीज़ को हम लोगों को थोड़ा रिवीजन करने का भी टाइम आ गया है. और इसी कारण से मैं सौमी महेंद्राज अभी से आप लोगों के साथ हाजिर रहूंगी एवरी डे टॉप 50 MCQ आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने के लिए प्रैक्टिस सेट के साथ. तो चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं. जैसे मैं देख रही हूँ मेरे साथ मीरज, सुष्मिता, दिव्यजीत, शौविक, सरोज, शैलेंद्र, बहुत लोग जुड़े हुए हैं. सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून. तो चलिए सेशन को आगे शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने हाजिर कर रही हूँ मैं. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने के बाद उसका आंसर दीजिए. देखते हैं कितने जल्दी कितने लोगों से कितना सही जवाब आते हैं. जैसे कि पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग जानते हैं यहाँ पर कि आपके RRB NTPC के लिए 40 मार्क्स, CBT 1 के लिए मैं बोल रही हूँ 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए रहता है. 40 मार्क्स के क्वेश्चन में हर एक जनरल अवेयरनेस जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसके साथ स्टैटिक GK और इसके साथ जो पार्ट जुड़े हुए हैं वो है आपका करंट अफेयर्स. मैं डेली बेसिस में आप लोगों को ये सारे पार्ट को मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सारे जगह से 10-10 करके क्वेश्चन रिपीटेडली करंट अफेयर्स भी सब कुछ लेकर आप लोगों के लिए आप लोगों के साथ हर दिन अभी मंडे टू सैटरडे दोपहर के 3 बजे आप लोगों के साथ जुड़ूंगी. तो जैसे कि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर हियादीप गुड आफ्टरनून यहाँ पर ऑलरेडी आंसर आना शुरू कर दिए है. क्वेश्चन कुछ ऐसा है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं व्हाट पार्ट ऑफ द क्विनाइन प्लांट इज कॉमनली यूज ड्रग फॉर मलेरिया. हम सभी लोग जानते हैं गुड आफ्टरनून यादिप, हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो क्विनाइन जो यूज होते हैं ये क्विनाइन यूज होते हैं मलेरिया ट्रीटमेंट के पर्पज में. तो इसका जो सही जवाब है कि ये क्विनाइन एक प्लांट है, इस प्लांट का क्या यूज किया जाते हैं ये मलेरिया की मेडिसिन को बनाने में, ठीक है. तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका जवाब बहुत लोगों से आ गए हैं. यस, स्टेम बर्क, द राइट आंसर इज डी, स्टेम बर्क. पेड़ के जो छाल होते हैं, स्टेम के जो छाल होते हैं उसको बोलते हैं स्टेम बर्क, जो क्विनाइन मतलब कि मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए क्विनाइन प्लांट की ये स्टेम बर्क को कलेक्ट किया जाते हैं. गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून मेरे. चले अभी हम लोग एक एक करके दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं. ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए.
क्वेश्चन को ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद इसका जवाब दीजिए। बहुत ही इजी एक कॉन्सेप्ट है, हम लोग कहते हैं सल्फर शावर। ये सल्फर शावर क्या होते हैं, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट आप लोगों के लिए दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सल्फर शावर क्या होते हैं, ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जल्दी से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। जैसे कि ए ऑप्शन में बोल रहे हैं, डिस्चार्ज ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ क्रोकस येलो केसर, जिसको इस टाइप के होता है, पोलेंस ग्रेन्स इनटू द एयर। बी बोल रहा है डिस्चार्ज ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पाइनस मैटिन्स पाइन 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 गार्ड जो पेड़ होता है, पाइन पेड़ की बात कर रहे हैं, पाइन ट्री। ओके, तो पाइन ट्री की जो ह्यूज अमाउंट ऑफ पोलिन ग्रेन्स होते हैं उसके बात करें, जो एक येलोइश क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं, क्या ये है सल्फर पावर? तो यहाँ पर जैसे कि देख रही हो, यहाँ पर आंसर आ रहे हैं डी। अच्छा, डी का मतलब आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलीज ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर पार्टिकल्स इनटू द एयर नियर सल्फर माइंस। नाम सुनकर बहुत लोगों को ऐसे लग सकते हैं कि सल्फर तो शायद कुछ ऐसा ही होगा कि सल्फर दैट शुड बी रिलेटेड विथ सल्फर, दैट मीन्स आई नो दैट वी ऑल मिनरल्स। अच्छा, स्कीप कर गए हैं सजल ने, तो बढ़िया है, ये स्कीप करना भी आपके लिए जरूरी होता है अगर कॉन्फिडेंस की आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो इसका सही जवाब जो होता है, बता देते हैं कि द राइट आंसर इज डिस्चार्ज ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पाइन पोलेंस ग्रेन्स इनटू द एयर फॉर्मिंग एयोलिश क्लाउड। जनरली क्या होते हैं, ये होता है पोलिनेशन सिस्टम, ये पाइन ट्री का पोलिनेशन सिस्टम होता है। आप लोग जानते हैं कि पाइन ट्री जो होता है ये जिम्नोस्पर्म्स के अंदर में आते हैं। इसका जो सीड होता है, सीड होता है नेकेड सीड। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, कोई बीज जो होते हैं वो फ्लावर के अंदर में या फिर फ्रूट्स के फल के अंदर में रहते हैं, पर यहाँ पर क्या है कि जनरली ये जो फ्लावर सीड्स होते हैं, सॉरी पाइन ट्रीज का जो सीड्स होते हैं ये होता है टोटली नेकेड सीड्स, और जिसके कारण से जब हवा चलते हैं एयर के थ्रू पोलिनेशन, मतलब इसका पोलिनेशन का मतलब हम लोग जानते हैं, इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके थ्रू ये सल्फर शावर इसी कारण से कहते हैं क्योंकि इसका कलर जो होते हैं येलोइश कलर होते हैं, और सल्फर का भी कलर कुछ ऐसा है जिसके कारण से ऐसे जब ये स्प्रिंग के मौसम आते हैं, स्प्रिंग के मौसम में ऐसा दिखने के लिए मिलते हैं कि पूरा येलोइश क्लाउड एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं। बेसिकली दिस ऑल आर द बेयर सीड्स, वो क्या है, वो सारे बेयर सीड्स है। अच्छा, आपका सही है, बहुत बढ़िया पिंटू जी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन हाउ मेनी टाइम्स ह्यूमन विल लूज देयर कॉन्शियसनेस इफ ब्लड विल स्टॉप फ्लोइंग टू द ब्रेन। अगर मस्तिष्क में कितना टाइम ले सकते हैं मैक्स टू मैक्स कॉन्शियसनेस जो होता है इंसान की वो खोने के लिए, कि अगर इतना टाइम अगर मस्तिष्क में ब्रेन में अगर प्रॉपरली ऑक्सीजन सर्कुलेशन ना हो तो, या फिर ब्लड सर्कुलेशन बोल सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन ना होता है तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या हो सकता है इसका सही जवाब, जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। अच्छा, सी आंसर आया है 15 to 20 सेकेंड, ये आंसर आया है फी। अच्छा, ओम प्रकाश बोल रहे हैं बी हो सकता है या फिर डी भी हो सकते हैं, तो कंफ्यूज है मैम, तो इसीलिए हमने स्किप कर दिए हैं। तो चलिए इसका सही जवाब आप लोगों से देख रहे हैं सी, बहुत लोग बोल रहे हैं 15 to 20 seconds। अच्छा, अगर देखा जाए 15 to 20 seconds भी ब्रेन्स के अंदर में ब्लड सर्कुलेशन ना होते अगर वो भी काफी, मतलब कि बहुत ही ज्यादा है, तो इसी कारण से द राइट आंसर ही नो सी इज नॉट द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। 5 seconds max to max 5 seconds, ओके, max to max 5 seconds हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी बोन्स कंप्राइज द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन। हमारे एडल्ट मतलब कि प्राप्त वयस्क जो सारे लोग होते हैं, एडल्ट के ह्यूमन स्केलेटन में कितना हड्डियों का नंबर क्या होता है, हड्डियों का संख्या क्या होते हैं, 204, 206, 208 या 214? सही आंसर क्या होगा इसमें से, ये बहुत ही इजी है, काफी टाइम इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, तो इसका जवाब बताइए, जल्दी से इसका जवाब बताइए।
अच्छा 206 आंसर आ रहे हैं, बोल रहे हैं करण ने, अनिरुद्ध ने भी बोल रहे हैं, जबीन भी बोल रहे हैं कि इसका आंसर होगा 206। यस द राइट आंसर इज 206, 206 इज द राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को और भी आगे बढ़ाने के लिए बेसिकली यस एब्सोल्यूट राइट अनिरुद्ध, ये तो सही होना ही चाहिए। तो इसमें कौन सा वाले लाइट यहाँ पर सबसे ज्यादा इफेक्टिव काम करते हैं, अल्ट्रावायलेट, रेड, ब्लू और इंफ्रारेड। अल्ट्रावायलेट, रेड, ब्लू और इंफ्रारेड, ये सकाश एब्सोल्यूट राइट, 206 इट वॉज द राइट आंसर, आपका आंसर एकदम सही था। अब जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा, यूवी रेज। अच्छा अल्ट्रावायलेट रेज, अच्छा एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगाओ, अगर अल्ट्रावायलेट रेज फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अगर एब्जॉर्ब भी हो जाते तो ओजोन होल जो बन रहे हैं, ओजोन लेयर की डिप्लेशन को लेकर हम लोग इतना दिमाग खराब क्यों कर रहे हैं। अल्ट्रावायलेट रेट अगर फोटोसिंथेसिस के दौरान अगर एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं तो यहाँ पर हमारा इतना दिमाग खराब करने के लिए क्या प्रॉब्लम है। तो अल्ट्रावायलेट रेज क्या होगा, क्या लगता है अल्ट्रावायलेट रेज। अच्छा अभी लोग बोल रहे हैं कुछ दूसरा ऑप्शन, सुरोजित मीरज आपका आंसर सही है, बी रेड, द कलर शुड बी रेड, रेड ज्यादा इंक्रीज करते हैं, ठीक है रेड। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नो बाबू ब्लू नहीं रेड होगा आंसर। व्हाट इज द वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट, एक एडल्ट के शरीर में ह्यूमन हार्ट का कितना वजन होते हैं, इसका वजन कितना होते हैं। अच्छा ये वाला हम लोग खत्म कर चुके हैं, अभी 6 नंबर पर हम लोग आ गए हैं, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, तुरंत इसका जल्दी से जवाब आना चाहिए इसका। अच्छा दीपशिखा गुड आफ्टरनून, चलिए बताइए मानव हृदय का वजन कितना होता है, मानव हृदय का वजन कितना होता है। करण बोल रहे हैं 300, करण बोल रहे हैं 300, यहाँ पर बाप रे सूर्यजीत 1-0 ज्यादा पड़ गया है, कोई बात नहीं समझ गई मैं। चलो एब्सोल्युटली राइट, द राइट आंसर इज 300 ग्राम, द राइट आंसर इज 300 ग्राम, वेरी गुड बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर। अभी जो सारे क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले 10 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से है, उसके बाद केमिस्ट्री से शायद है, उसके बाद फिजिक्स, फिर करंट अफेयर्स, फिर आपके स्टैटिक जीके, ऐसे करके 50 क्वेश्चन का सेट लेकर हम आए हैं। तो तुरंत इस सेशन को जल्द से जल्द शेयर और लाइक कीजिए ताकि सभी लोग इस सेशन के साथ जुड़ पाए, और इस सेशन का जो मेन मोटिव है कि आप लोगों को एकदम आपकी एग्जाम के लिए एकदम प्रिपेयर कर देंगे महेंद्रास, और वो हम लोग कामयाब रहेंगे जब आप लोग इसके साथ और भी ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़ेंगे। चलिए इसका आंसर आना शुरू हो गया है, एड्रिनल ग्लैंड बोल रहे हैं लोग। क्या क्वेश्चन है पहले पढ़ते हैं कि ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, 120/80, ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है कौन से ग्लैंड से। अच्छा लोग बोल रहे हैं थैलेमस ग्लैंड, तो सजल बोल रहे हैं एड्रिनालिन। ओके वेरी गुड, काफी लोगों से काफी आंसर आ रहे हैं, और यहाँ पर तो देखो पिंटू खुशवा की तो एकदम मजा इतना इतना जोश में आ गया है कि वो ए एकदम मतलब कि कंफर्मेशन के साथ ए आ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा आंसर। तो बता देते हैं कि ये जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड कहाँ पर लोकेटेड है, ये ग्लैंड लोकेटेड है अपर पोर्शन ऑफ किडनी, अपर पार्ट ऑफ किडनी। अब बताओ छोटा सा एक क्ल्यू दे दिया, अभी बताओ इसका आंसर क्या होगा। दिस ग्लैंड, ये जो ग्लैंड है, ये ग्रंथि हमारे किडनी के ऊपर ये लोकेटेड है। अच्छा चलिए यहां पर अभी थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं कि आंसर अभी बदल रहे हैं। ओके तो सही जवाब जो है यस एड्रिनल ग्लैंड। इवन आप लोग जानते हैं एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीशन होता है वो क्या है,
एड्रीनालिन हार्मोन। और ये एड्रीनालिन हार्मोन जो होते हैं, ये एड्रीनालिन हार्मोन हमारे जब ब्लड प्रेशर कभी भी कोई भी कारण से बढ़ जाते हैं, ऐसे परिस्थिति में एड्रीनालिन हार्मोन क्या करते हैं, इमरजेंसी हार्मोन इसको इसी कारण से कहते हैं क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नो थैलेमस इज नॉट द राइट आंसर, एड्रीनल ग्लैंड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट सेल्स फॉर्म। कौन सी ऑर्गन में, कौन सी ग्रंथि में, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि में या फिर अंग में लिम्फोसाइट कशिकाएं बनती है। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया है, लिम्फोसाइट सेल कहां पर बनती है। ये एस्ट्रोजन इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं हम लोग एड्रेनालिन हार्मोन्स को। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए, क्वेश्चन नंबर 8 पर चल रहे हैं हम लोग। जल्दी से बताइए इसका आंसर आ रहा है लीवर। ओके, लीवर इसका आंसर आ रहा है। काफी लोग बोल रहे हैं कि इसका आंसर होना चाहिए मैम लीवर, तो बता देते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। यस, द राइट आंसर इज बोन मैरो। जिसने आंसर दिए है बोन मैरो, आपका एकदम सही आंसर है। द राइट आंसर इज बोन मैरो। ओके, बोन मैरो आपका सही जवाब होता है। और इसके साथ और भी एक ऑप्शन बता देते हैं, थाइमस ग्लैंड भी होता है, थाइमस ग्लैंड। पर यहाँ पर ऑप्शन में आपका है नहीं, तो थाइमस ग्लैंड नहीं है, तो थाइमस ग्लैंड को तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हम लोग नहीं दे सकते हैं। पर आपको एक्स्ट्रा हिसाब से इंफॉर्मेशन के हिसाब से बता दिया कि थाइमस ग्लैंड भी यहाँ पर होते हैं, थाइमस ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक, पैरासाइट आप लोग समझते हैं, पैरासाइट क्या होते हैं, जब एक कोई एक होस्ट के बॉडी से कोई पर्टिकुलर कुछ न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग पैरासाइट कहते हैं। मतलब जो दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं उसको हम लोग पैरासाइट कहते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल, जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन है यहाँ पर पैरासाइट, पेनिसिलियम, प्लास्मोडियम, पैरामीसियम या फिर पैरट। बताइए यहाँ पर कौन सा है यहाँ पर जो पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं, जो बिहेव करते हैं एक पैरासाइट की तरह। अच्छा, तो इसका जवाब बहुत लोग दे रहे हैं, यस एब्सोल्युटली राइट। आप लोग भी जानते हैं कि व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज प्लास्मोडियम। प्लास्मोडियम जो क्या होता है, ये एक प्रोटोजोआ होता है। ये क्या है, ये एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द फर्स्ट एंजाइम दैट मिक्स विथ फूड इन द स्टार्टिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जहां से स्टार्ट होते हैं वहां पर सबसे पहले कौन सा एंजाइम आकर हमारे जो खाना हम लोग खाते हैं उसका पाचन प्रक्रिया शुरू करते हैं, उसका पाचन प्रक्रिया शुरू होते हैं, बताइए। वेरी गुड करण, वेरी गुड, यस। यहाँ पर पेप्सिन या फिर ट्रिप्सिन की बात करें तो पेप्सिन ट्रिप्सिन इज अवेलेबल, कहाँ पर रहते हैं ये, स्टोमैक में, है ना, ये स्टोमैक में रहते हैं। ट्रिप्सिन, सॉरी पेप्सिन और टाइलिन को मैंने मेंशन कर दिया, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन जो होता है ये दोनों कहाँ पर होता है, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन ये स्टोमैक में, ये दोनों एंजाइम स्टोमैक में तैयार होते हैं और जो काम करते हैं किसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर, राइट, प्रोटीन के ऊपर काम करते हैं। वन एंड ओनली ये जो टायलिन है, टायलिन होता है कहाँ पर, माउथ में, मुंह में ये पहला शुरुआत होता है। फूड मिक्सिंग जो एंजाइम काम करता है टायलिन, क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ये डिकम्पोज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो फूड्स होते हैं जो कंज्यूम करते हैं हम लोग, वो डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। यस एब्सोल्युटली राइट सजल, टायलिन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, Which of the following is not a radioactive element? यहाँ पर क्या, कौन सा है जो radioactive element नहीं है। यहाँ पर जो सारे option दिया गया है जैसे कि astatine, francium, titanium, zirconium। अभी हम लोग आ गए हैं chemistry के question। आज के लिए 10 biology का question खत्म हुआ। अभी हम लोग आ गए हैं next level में 10
केमिस्ट्री का क्वेश्चन को लेकर। तो यहाँ पर फर्स्ट जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया है कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा है आपकी रेडियो एक्टिव, कौन सा नहीं है आपकी रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यहाँ पर एक नॉट लगा दिया है हमने। अच्छा, बहुत लोग बोल रहे हैं टाइटेनियम, टाइटेनियम, ओके, पर यस, वेरी गुड वेरी गुड, एक जन से मिले हैं इसका सही जवाब। जिरकोनियम इज द राइट आंसर। यहाँ पर एस्टिनिन, फ्रांसियम, टाइटेनियम, ऑल आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ऑल आर टाइटेनियम। आप लोग किस हिसाब से बोल रहे हैं बाबू, टाइटेनियम जो है, टाइटेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। द राइट आंसर इज जिरकोनियम, जिरकोनियम आपका सही आंसर है, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following is unit of radioactivity? Radioactivity इसके लिए हम लोग कौन सा यूनिट यूज करते हैं, बता देते हैं SI यूनिट, ये एक SI यूनिट होगा, SI यूनिट। अब बताइए यहां पर कौन सा होगा सही जवाब, SI यूनिट क्वेश्चन जो है यहां पर SI यूनिट पूछ रहे हैं हम लोग। SI यूनिट क्या होगा, कौन सा होगा, इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है ये, DRA है, डी। अच्छा, देवोदीप बोल रहे हैं बी, बहुत बढ़िया देवोदीप, बैक्यूरल दिस इज द राइट आंसर। और ये सिंबल क्या है, BQ है ना, और ये जो साइंटिस्ट के नाम के अनुसार में क्या गया है, दिस द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज हेनरी BECQUERL, बेक्यूरल, हेनरी बेक्यूरल के नाम से ये किया गया है। दिस इज अ एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द एस्टिमेशन ऑफ द एज ऑफ द अर्थ, हमारी ये विषय क्या, हमारे ये गोले का आयु क्या है, ये अनुमान किसके द्वारा किया जाते हैं, ये अनुमान किसके द्वारा किया जाते हैं। गुड आफ्टरनून देवदेव, इवनिंग नहीं हुआ, चलो बताओ अभी क्वेश्चन नंबर 13। हाँ अभी अभी गुड आफ्टरनून, एग्जैक्टली, चलो बताओ 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, जल्द से जल्दी इसका आंसर चाहिए। यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग एंड एटॉमिक क्लॉक, बायो क्लॉक, जैव घड़ी। बायो क्लॉक, कार्बन डेटिंग, काफी आंसर आ रहे हैं, बहुत दूसरा दूसरा आंसर आ रहे हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं, यूरेनियम डेटिंग के द्वारा, यूरेनियम ये क्या होता है, हमारे एंशियंट, कोई भी एंशियंट ऑब्जेक्ट का एज को डिटेक्ट करने के लिए, एंशियंट ऑब्जेक्ट का एज को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या होते हैं हम लोग, यूरेनियम डेटिंग सिस्टम, ये मतलब कि पर्पस में, ये इस पर्पस में हम लोग ये यूरेनियम डेटिंग यूज करते हैं, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग जानते हैं कि द अमाउंट ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज सिंग, यूरेनियम का रेडियो एक्टिव आइसोटोप अगर हम लोगों को पता है तो ऑब्वियसली आप लोग को समझ में आ रहे हैं कि अर्थ की जो पृथ्वी का आयु या फिर कोई भी एंशियंट ऑब्जेक्ट जो होता है उसका यूरेनियम डेटिंग कल्चर करके हम लोग उसका एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पर देवोदेव से शुरू करके काफी लोग हैं, जो लोग वो हम खुद पराए हैं, आप लोग अभी तो इसका आंसर, नवनीता, अच्छा नवनीता भी जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया, चलो इसका आंसर 14, क्वेश्चन नंबर 14 के यहाँ आ गए हम लोग कि आइसोटोप, कोई भी एक एटॉमिक न्यूक्लियस का आइसोटोप नंबर क्या होते हैं। आइसोटोप नंबर बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी सेम बट प्रोटॉन विल बी डिफरेंट, ठीक है, ये एक हो सकते हैं, ठीक है, चलो इसका आंसर ऑलरेडी आना शुरू कर दिए है। यस एब्सोल्युटली राइट, देखिए इसका मतलब कि एग्जांपल क्या दे सकते हैं आपको, मान लीजिए यूरेनियम का 235, 92,
237 यूरेनियम 92, 239 यूरेनियम 92। ये एक सीरीज मैंने अगर आपको दिया तो आप लोग जान सकते हैं कि ये समझ रहे हैं, ये जो नीचे जो लिखा हुआ है 92 92 92, ये 92 क्या है, ये 92 आपका एटॉमिक नंबर होता है। ये नीचे जो लिखा हुआ रहता है कोई भी एलिमेंट का, वो एटॉमिक नंबर को मेंशन करते हैं, और ऊपर में जो लिखा हुआ रहता है वो मास नंबर को मेंशन करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर को हम लोग मेंशन करते हैं कैपिटल जेड से। तो कैपिटल जेड इज इक्वल्स टू व्हाट, मतलब एटॉमिक नंबर जो होते हैं कैपिटल जेड इज इक्वल्स टू स्मॉल पी, इसके साथ प्रोटॉन नंबर का, प्रोटॉन नंबर समान होते हैं, सेम होता है, बराबर होता है, एंड इट्स ऑल्सो इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन नंबर। तो एटॉमिक नंबर का मतलब ही होता है प्रोटॉन नंबर आपके। तो आइसोटोप, कोई भी एलिमेंट का आइसोटोप का मतलब होते हैं कि उसका प्रोटॉन नंबर सेम होगा बट न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होगा। ऊपर में जो है ये मास नंबर, मतलब कि यहाँ पर आपके न्यूट्रॉन नंबर भी इंक्लूडेड है। तो ऑब्वियसली राइट आंसर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बी सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बी डिफरेंट। चलिए आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। The number of isotope in the hydrogen. Very easy question. 15 number question तो भाई बहुत ही easy है. Yes, absolutely right, Devodip. चलिए इसका जवाब दीजिए कि हाइड्रोजन का आइसोटोप नंबर कितना है, आइसोटोप का हाइड्रोजन नंबर कितना है? 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये है आपकी क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर आना शुरू कर दिया है, बी 3 इज द राइट आंसर। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि कितना है, 3 होता है, प्रोटियम है ना, फिर डॉयटेरियम, फिर ट्रिटियम, ये 3 प्रकार की होते हैं, प्रोटियम, डॉयटेरियम एंड ट्रिटियम। तो क्या है, तो आइसोटोप्स इन द हाइड्रोजन इज 3, राइट। चलो नेक्स्ट में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देने की ये जो टेंडेंसी होते हैं ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, कैटलाइजेशन कहते हैं, या सेल्फ इंडक्शन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कैटलाइजेशन और सेल्फ इंडक्शन, गुड इवनिंग अभिषेक सर, यस राजेश, एब्सोल्युटली राइट। अभी इसका यहां आगे है, जल्दी से बताइए इसका आंसर, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन आंसर आ रहे हैं इसका, ऑक्सीडेशन, यस एब्सोल्युटली राइट। द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दान करने की जो प्रवृत्ति होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, दिस वन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। चलिए नेक्स्ट वन, 17। द हाइड्रोजन बर्निंग प्रोसेस इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद व्हाट, हाइड्रोजन बर्निंग, हाइड्रोजन जलने की प्रक्रिया ये किसके साथ जुड़ी हुई है, ये किसके साथ जुड़ी हुई है, हाइड्रोलाइसिस, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजिनेशन, बताइए जल्दी से। You are most welcome, Devodip. आप लोग क्लास किए हैं, हम लोग 24 जून का बैच है, तो ये सारी चीज ऑलरेडी हम लोग काफी दिन, बहुत दिन पहले ही हम लोग करके आ चुके हैं। चलिए हाइड्रोजिनेशन आ रहे हैं इसका आंसर। हाइड्रोजन बर्निंग प्रोसेस इज नोन एज, ऑल्सो इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलो थोड़ा सा बुद्धू बना दिया तुम लोगों को, क्योंकि यहां पर भी इलेक्ट्रॉन नंबर लॉस होते हैं। हाइड्रोजन बर्निंग प्रोसेस इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इसको ऑक्सीडेशन ही कहते हैं हम लोग, क्योंकि यहां पर भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के साथ एक छोटा सा ट्रिक्स मैंने खेले है, पहले ये चीज बताया आप लोगों को कि ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन दिया कि हाइड्रोजन बर्निंग प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। चलिए इस तरह की कभी कभी
थोड़ा ट्रिक्स और ट्विस्ट टाइप की क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट और गेन्स इलेक्ट्रॉन, जो लाभ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन को प्रदान करेंगे, डोनेट कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड्स और मतलब कि डोनेट्स प्रोटॉन, या फिर प्रोटॉन को दान कर सकते हैं, या फिर हाइड्रोक्साइड आयन को ये दान करते हैं। एसिड, ये एसिड के लिए पूछ रहे हैं। चलिए इसका आंसर अभी आना शुरू हो जाना चाहिए। 18 में हम लोग अभी चल रहे हैं। फिर से बाउंस हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, पर आप अच्छे से ट्राई कर रहे हैं प्रकाश जी। तो इसका सही आंसर जो है, जैसे कि बहुत लोग बोल रहे हैं बी। अच्छा बी मतलब डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। तो कह देते हैं कि बाबू एसिड का जो नेचर है, एसिड क्या करते हैं, प्रोवाइड्स मतलब डोनेट्स प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को डोनेट कर देते हैं। ये क्या करता है, ये सी आंसर। रोहित जी आपका आंसर सही है, सत्यजीत का भी आंसर सही है, देवदीप का भी आंसर सही है ना। राजेश जी आपने बताया है कि डोनेट्स हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करते हैं खार मतलब बेस, पर यहां पर क्वेश्चन है आपका एसिड, तो ध्यान रखिए क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। द एल्कली इज अ सब्सटेंस व्हिच, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं। देवाशीष, देवाशीष गुड आफ्टरनून। चलिए अभी आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। द एल्कली इज अ सब्सटेंस व्हिच, द एल्कली इज अ सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड्स। अब देखो पहला वाला गया एसिड का, अभी तुम्हारा क्वेश्चन है एल्कली मतलब कि खार की, ठीक है। तो अभी ध्यान से लास्ट जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए, वो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताइए, ध्यान से वो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताइए। एसिड का ऑपोजिट होते हैं एल्कली का नेचर, जनरली हम लोग जानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बताइए। ओके अच्छा, दोनों ही प्रोवाइड करते हैं प्रोटॉन, एल्कली भी प्रोटॉन को प्रोवाइड करेगा, एसिड भी प्रोटॉन को प्रोवाइड करेगा, बहुत बढ़िया। चलिए इसका जो आंसर है, काफी लोग सुरजीत भी इसका आंसर सही दिए हैं, रोहित भी इसका आंसर सही दिए हैं, एक्सेप्ट्स प्रोटॉन। द राइट आंसर इज इट एक्सेप्ट्स प्रोटॉन। एसिड क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं प्रोटॉन को, और एल्कली एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन्स को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहां पर क्लैरिफाई हो जाना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन, और जिंदगी में भी कभी भी गलती नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री की। द फर्स्ट टाइम पीएच वैल्यू मेजरमेंट इज डन बाय हुम, फर्स्ट टाइम पीएच वैल्यू मेजरमेंट इज डन बाय हुम, लेविशेर, प्रिस्ले, कोविंडिस और सोरेनसन। प्रिस्ले आंसर आ रहे हैं, प्रिस्ले। अच्छा वेरी गुड, ना ना, यस द राइट आंसर इज सोरेनसन, सोरेनसन इज द राइट आंसर, सोरेनसन इज द राइट आंसर। और ये हुआ था पहली बार 1909 में, 1909। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ रहे हैं अभी फिजिक्स के तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज एफिलिएटेड विद द लॉ ऑफ इनर्शिया, काइनेमेटिकल इक्वेशंस, डिस्कवरी एटसेट्रा। यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है, यहां पर अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शंस, उसके हिसाब से कौन है वो साइंटिस्ट जो ये सारे इसके साथ मतलब कि काइनेमेट्रिक इक्वेशंस ये सारी चीज के साथ रिलेटेड है। यस सोरेनसन इज द राइट आंसर, वो 1909 में हुआ। अभी ये बताइए तीसरे 21st क्वेश्चन अभी जो चल रहा है, और ये फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है। यस एब्सोल्युटली राइट, पहला जवाब आया है करण दास से, वेरी गुड। द राइट आंसर इज
गैलीलियो. द राइट आंसर इज गैलीलियो. गैलीलियो राइट आंसर होगा. ठीक है, गैलीलियो आपका सही जवाब है. चलिए आगे बढ़ते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज एसोसिएटेड विथ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहां पर इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कौन किए हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसके द्वारा हुआ है? गैलीलियो, आइंस्टाइन, जे जे थॉमसन और जॉन डाल्टन. और जॉन डाल्टन. बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी बच्चे को ये क्वेश्चन पहले भी हमने कराए हैं, तो आई होप इसका आंसर सभी से सही आएगा. किसने जॉन डाल्टन बता दिया? देवोदीप ने. अब देखो करके वहां पर गलती करके फिर उसने आंसर को हटा दिया. क्या बोले तुमको, जे जे थॉमसन. चलो, जे जे थॉमसन इज द राइट आंसर. जे जे थॉमसन इज द राइट आंसर. एक्चुअली नवनीता क्या हुआ, इनको बहुत दिन पहले पढ़ाए थे ना, तो इसी कारण से इनके दिमाग से सब निकल गए. देवोदीप के दिमाग से सब निकल गए, समझे नवनीता, ये हुआ है इसका प्रॉब्लम. चलो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. वोल्ट, कूलम, एम्पियर, ओहम. यस, जे जे थॉमसन इज द राइट आंसर. अच्छा, तो इसका आंसर आ रहे हैं कूलम. इसका आंसर आ रहे हैं कूलम. बी कूलम इज द राइट आंसर. ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट. सीजीएस यूनिट क्या होता है? फ्रैंकलिन. फ्रैंकलिन होता है सीजीएस यूनिट. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24. एन इलेक्ट्रॉन पोजेस अ नेगेटिव चार्ज ऑफ. इसका नेगेटिव चार्ज कितना होता है, इसका मात्रा कितना होता है? ये थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ध्यान रखना क्वेश्चन के ऊपर. एन इलेक्ट्रॉन पोजेसेस अ नेगेटिव चार्ज ऑफ व्हाट, हाउ मच. ओहम नहीं बाबा, ओहम नहीं होगा लास्ट क्वेश्चन का आंसर. अच्छा, तो इसका आंसर देखिए आना शुरू कर दिए है, काफी लोग इसका आंसर दे रहे हैं. द राइट आंसर इज बी. यस, द राइट आंसर इज बी. ओम प्रकाश जी ने इसको स्किप कर दिए है, बहुत बढ़िया, क्योंकि वो भी बेवकूफी नहीं है एक्चुअल में. चलिए बहुत बढ़िया. यस, एब्सोल्युटली राइट. 1.60 × 10⁻¹⁹. चलिए आगे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 में अभी हम लोग आ गए हैं. पूछ रहे हैं कि पदार्थ जिनके माध्यम से बिजली प्रवाहित नहीं हो सकते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर, वायर या फिर मतलब कि तार या फिर बैटरी. क्या कहते हैं इसको, जिसके जिस पदार्थ की अंदर से माध्यम से बिजली प्रवाहित नहीं होते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड सरोज कुमार जी, आपका आंसर एकदम बिल्कुल सही है. बिल्कुल सही आपका आंसर. इसका सही जवाब है आपका, सही जवाब है आपका इंसुलेटर. द राइट आंसर इज इंसुलेटर. वेरी गुड. चलिए आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर. अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है, इंसुलेटर क्या है, यह अभी आपको क्वेश्चन में पूछा गया है. ठीक है, यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर में इंसुलेटर कौन सा है, कार्बन, पोर्सेलिन, सिल्वर और कॉपर. कार्बन, पोर्सेलिन, सिल्वर और कॉपर. यस राजेश जी, वुड, माइका, ये सब बोल सकते हैं हम लोग. अब दूसरा आ गया है यहां पर इंसुलेटर का एग्जांपल क्या है, कार्बन, पोर्सेलिन, सिल्वर या कॉपर हो सकता है इसका एग्जाम्पल. बी आंसर आ रहे हैं. यस एब्सोल्युटली राइट. द राइट आंसर इज पोर्सेलिन.
पोर्सलिन इसका सही जवाब है, पोर्सलिन इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, नेम एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन एम्पियर। एम्पियर में मेजर करने के लिए हम लोग कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, एम्पियर करंट मेजर करने के लिए कौन से डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं, अल्टमीटर, ऑडियोमीटर, एमीटर या फिर एरोमीटर। यस शुरोजीत, एब्सोल्युटली राइट, चीना माटी। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 27। बहुत बढ़िया दिव्यजीत, बहुत बढ़िया। चलो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी आ रही है। यस एब्सोल्युटली राइट आंसर, द राइट आंसर इज एमीटर। एमीटर करंट के, करंट इन एम्पियर, इसको मेजरमेंट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है वो होता है एमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, नेम अ डिवाइस यूज्ड फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर मैग्निफिकेशन, कोई भी मैग्निफिकेशन यूज करने, मतलब कि कोई चीज को दूर के, कोई चीज को नजदीक में और बहुत ही क्लियर दिखने के लिए कौन से कोई भी ऑब्जेक्ट्स को क्या यूज किया जाते हैं, क्या यूज किया जाता है, बोलोमीटर, बैरोमीटर, बाइनोक्यूलर्स और बारोग्राफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर हम लोग आ चुके हैं, अभी दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, जल्दी से यहां पर आंसर दे दीजिए। बैरोमीटर, बैरोमीटर तो बाबा यहाँ पर बैरोमीटर जो होता है ये एयर प्रेशर मापने के लिए यूज होता है, बैरोमीटर एयर प्रेशर को मापने के लिए यूज होते हैं। मैग्निफिकेशन के लिए क्या यूज होते हैं, मैग्निफिकेशन दैट मींस कुछ दूर की कुछ चीज को, बहुत वो ऑब्जेक्ट को आपको बहुत नजदीक से दिखने के लिए और बहुत क्लियर दिखने के लिए मिलेगा। हिंट्स दे रहे हैं यहाँ पर बार बार, तो आंसर है बाइनोक्यूलर्स। 28 का आंसर है बाइनोक्यूलर्स, 29 की तरफ जा रहे हैं। टू इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ, क्या इंक्रीज करना पड़ेगा या डिक्रीज करना पड़ेगा। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं, जो हमारे यहाँ पर मतलब कि टेलीस्कोप के जिसके मतलब कि टारगेट जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस को इंक्रीज करना चाहिए या फिर ऑब्जेक्टिव लेंस को डिक्रीज करना चाहिए, या फिर हम लोग जहां पर आंख रखकर वो देख रहे हैं वो आईपीस लेंस जो होता है वो आईपीस लेंस को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना चाहिए। यस देवदेव एब्सोल्युटली राइट, यस सजल एब्सोल्युटली राइट। चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से, 29 में अभी हम लोग आ गया है, 29 का आंसर आ रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं ए तो कुछ लोग बोल रहे हैं बी, तो बता देते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। आपकी जो आईपीस लेंस होगा जिसके ऊपर आप आंख रख के देखेंगे वो एग्जैक्ट आईपीस लेंस का लेंस को डिक्रीज करना पड़ेगा, उसका लेंथ को डिक्रीज करना पड़ेगा, तब जाकर आपके टेलीस्कोप एडजस्ट होता है। ठीक है, टेलीस्कोप वैसे ही एडजस्ट होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, फिजिक्स के लास्ट क्वेश्चन, इन प्रोजेक्टर्स व्हिच लेंस आर यूज्ड, इन प्रोजेक्टर्स व्हिच लेंस आर यूज्ड। प्रोजेक्टर जो होते हैं, प्रोजेक्टर हम लोग जो यूज करते हैं वो प्रोजेक्टर में, यस प्रोजेक्टर में हम लोग किस तरह की लेंस यूज करते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या बाइपोलर लेंस, और या फिर यहां पर दोनों ही हो सकते हैं, ए एंड बी, कन्वेक्स एंड कॉनकेव। चलिए जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, ये बहुत इजी है। देवोदीप तुमको सब कुछ लगता है पर असली टाइम पर आंसर नहीं निकल कर आते हैं, यही सेम चीज तुम हम लोगों के क्लास में जब होते थे तब भी किए हो, पर तुम्हारे अंदर में, यहां पर सभी के अंदर में वो पोटेंशियल है, ये फैक्ट है। चलो अच्छा, बहुत लोग यहाँ पर डी आंसर दे रहे हैं, डी। अच्छा आप लोग तो प्रोजेक्टर्स देखे ही है, प्रोजेक्टर्स का ऊपर के लेंस जो होता है, प्रोजेक्टर का लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। कौन बता रहे हैं यहाँ पर, कॉनकेव बता रहे हैं, कॉनवेक्स लेंस होते हैं वो उत्तल लेंस होते हैं, उसका शेप क्या होता है, उत्तल लेंस होते हैं ना, कॉनवेक्स लेंस होते हैं। चलिए कॉनवेक्स इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट जब आप लोग महिंद्रास में आएंगे तो देख लीजिएगा,
चलिए आते हैं, या फिर कहीं पर भी अगर प्रोजेक्टर्स अगर देखे तो अच्छे से देख लेना कि वहां पर ऊपर में जो लेंस रहते हैं वो लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस रहते हैं। 31 31 इंडिया साइंड अग्रीमेंट। अभी हम लोग करंट अफेयर्स में आ गए हैं। चलिए फर्स्ट करंट अफेयर्स आ रहे हैं। करंट अफेयर्स की फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साइंड अग्रीमेंट विथ विच कंट्री ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सस्टेनेबल फाइनेंस। एंड सस्टेनेबल फाइनेंस इसके ऊपर किसके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, रशिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम या फिर बांग्लादेश, किसके साथ हुआ है बताइए इसका आंसर जल्दी से। ए सी, काफी कंफ्यूजन दिख रहे हैं, कोई बोल रहा है रशिया, कोई बोल रहा है यूनाइटेड किंगडम, अच्छा जापान भी आ रहे हैं, ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, सी नहीं तो डी, एक तो हो ही जाएगा। तो चलिए सही आंसर बता देते हैं, द राइट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। किसके अंदर में हुआ था ये कॉन्फ्रेंस और ये एग्रीमेंट साइन, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी और उसके साथ यूके की चैंसलर, यूके के चैंसलर जिसका नाम है ऋषि सुनक, ऋषि सुनक, ओके ये दोनों के अंदर में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है हमारे इंडिया के बिहाफ में निर्मला सीतारमन एंड एज इन यूके, यूके की चांसलर के हिसाब से ऋषि सुनक के अंदर में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है दो देश के अंदर में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच इंडियन स्टेट हैज पास्ड ऑर्डर फॉर 7.5% रिजर्वेशन टू गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स, रिसेंटली हुआ है, रिसेंटली ये हुआ है 7.5% रिजर्वेशन। जब ये बच्चे लोग नीट पास करेंगे तो वहां पर 7.5% रिजर्वेशन होगा जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। बोरिस जॉनसन इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूके, बट ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, ये एग्रीमेंट साइन हुआ है आपके यूके की चांसलर के साथ। जो लोग नीट क्लियर करेंगे उसके बाद, अच्छा आंध्र प्रदेश इसका आंसर आ रहे हैं, तो कोई बोल रहा है तेलंगाना, तो चलिए इसका सही जवाब आप लोगों को बता देते हैं, द राइट आंसर इज तमिलनाडु, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही इजी है, मेरी सहेली, माय सहेली या फिर मेरी सहेली, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। मेरी सहेली या फिर माय सहेली जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, इंडियन आर्मी, इंडियन बैंक, इंडिया पोस्ट और नन ऑफ दिस। अभी तमिलनाडु से दूसरे जगह पर आ गए हैं, अभी यहां पर क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्द से, तमिलनाडु वॉज द राइट आंसर, लास्ट लास्ट आंसर, अच्छा सुनील जी आपका आंसर सही है, वेरी गुड, नो नॉट इंडियन पोस्ट, ना इंडियन आर्मी, ना इंडियन बैंक, द राइट आंसर इज नन ऑफ दिस, क्योंकि यहां पर सही आंसर है ही नहीं, द राइट आंसर इज ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा हुआ है, रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा, यस आरपीएफ, नन ऑफ दिस विल बी इसका आंसर होगा, नन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट आ रही है आपकी, What quantity of paddy would be produced by the government during the ongoing kharif season? ये जो चालू kharif season के दौरान सरकार द्वारा किस मात्रा में धान की kharif की ये जो amount है, हम लोग ये amount को survey report से हम लोगों को मिले हैं, कितना हुआ है ये 500 lakh metric ton, 650 और 725 और 742 lakh metric ton। क्या होगा इसका आंसर, यस आरपीएफ डी एक्सैक्टली राइट आंसर था। चलिए इसका आंसर अभी बताइए, यस रविकांत जी गुड आफ्टरनून,
742 lakhs, वेरी गुड. जो लोग आंसर दिए है, देवोदीप ने आंसर दिए है, शोविक ने आंसर दिए है, और एकदम सही आंसर 742 lakhs. राइट आंसर इज 742 lakhs मैट्रिक टन्स. चलिए 35, क्वेश्चन नंबर 35. शेन वाटसन हु अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री. ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं शेन वाटसन? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. शेन वाटसन कौन से कंट्री की प्लेयर, कौन से ये क्रिकेटर आप लोग जानते हैं शेन वाटसन के नाम, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका. एब्सोल्युटली राइट आंसर सुब्रत कुमार चौधरी. यस द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया. शेन वाटसन बिलोंग्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ जा रही है. विच कंट्री चेयर्ड बाय ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग? ये इस साल में कौन इसको लीड किए है? ये था हमारे 2020 का 12th ब्रिक्स समिट. 2020 का 12th ब्रिक्स समिट हुआ था. कौन से देश ने ये होस्ट किए है, मतलब कि ये चेयर किए, मतलब कि मेनली जो होस्ट के काम रहते हैं, ये इस बार कौन से देश ने किए है? अच्छा डी आंसर आ रहे हैं चाइना. चलिए बता देते हैं कि इसका राइट आंसर है रशिया. रशिया इज द राइट आंसर. रशिया इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 37. यस रशिया इज द राइट आंसर. जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप व्हिच वाज मेकिंग न्यूज रिसेंटली. इट इज लोकेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट. ये कौन सी राज्य से है ये जो एक शुरू हुआ है जायंट मीटर एक टेलीस्कोप बनाया गया है, ये कौन सी राज्य में ये शुरू हुआ है? अच्छा बताइए. अभी दूसरा क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं. अच्छा महाराष्ट्र इसका आंसर आ रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं मध्य प्रदेश. तो बेसिकली इसका जो सही आंसर होगा बता देते हैं कि पहले तो ये है कि ये किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स ये लॉन्च किए हैं. कहां पर लॉन्च हुआ है आपका? पुणे महाराष्ट्र में. पुणे महाराष्ट्र में. तो जो लोग आंसर दिए थे महाराष्ट्र, एग्जैक्टली राइट आंसर सी महाराष्ट्र आपका सही आंसर है. ठीक है चलिए सी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. हुलंग वन विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली वॉज द फर्स्ट डोमेस्टिकली मेड न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ विच कंट्री. डोमेस्टिकली मेड न्यूक्लियर रिएक्टर जिसका नाम दिया गया है होलंग वन, ये कौन से देश के बिलोंग करते हैं? वेरी गुड राजेश जी, बहुत बढ़िया. चलिए 38 का आंसर दीजिए. 38 का आंसर चाइना. ओके बहुत लोग बोल रहे हैं चाइना. तो चलिए इसका आंसर एब्सोल्युटली राइट. जो लोग आपका चाइना आंसर दे रहे हैं यस द राइट आंसर इज चाइना. चाइना इज द राइट आंसर. हायावासु विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज अ स्पेस क्राफ्ट ऑफ विच कंट्री. ये कौन से देश की स्पेस क्राफ्ट है? ये कौन से देश की स्पेस क्राफ्ट है? जल्दी से बताइए ये कौन से देश की स्पेस क्राफ्ट है.
चाइना, जापान, साउथ कोरिया, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। इसका भी आंसर चाइना जाएगा। अच्छा, 39 का आंसर भी बोल रहा है चाइना। हायाबुसा 2, ये जो स्पेसक्राफ्ट बनाया गया है, ये बनाया गया है जापान। इस किसने बनाए हैं? जापान ने बनाए हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से। व्हेन इज द वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल वर्ल्ड एड्स डे कौन से दिन मनाए जाते हैं? वर्ल्ड एड्स डे ये कब होते हैं? दिसंबर 1, दिसंबर 5, दिसंबर 10 और दिसंबर 15। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रियंका, प्रियंका त्रिपाठी ने पहले आंसर दिए हैं। द राइट आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, 1 दिसंबर। द राइट आंसर इज 1 दिसंबर। चलिए अभी हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस पर आ रहे हैं। मनमोहन सूद पास्ड अवे रिसेंटली, बिलोंग्स टू विच फील्ड? संगीत के साथ, खेल के साथ, या फिर लिटरेचर साहित्य के साथ, या राजनीति के साथ ये युक्त थे? मनमोहन सूद, यस राजेश जी, एब्सोल्युटली राइट। चलिए अभी दूसरे क्वेश्चन पर आ गए हैं, जल्दी से बताइए। फोर्टी वन का आंसर बी, स्पोर्ट्स। आंसर आ रहे हैं बी, स्पोर्ट्स। एब्सोल्युटली राइट, मनमोहन सूद वाज रिलेटेड विथ क्रिकेट। स्पोर्ट्स आपका सही आंसर है, क्रिकेट के साथ जुड़े हुए थे उन्होंने। क्रिकेट, क्रिकेट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, गरिया पूजा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? गरिया पूजा, नो पॉलिटिक्स नॉट द राइट आंसर बाबू। गरिया पूजा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात। आसाम आ रही है। संजय घोष राइट आंसर, संजय राइट आंसर। त्रिपुरा इज द राइट आंसर, त्रिपुरा। जो लोग त्रिपुरा आंसर दे रहे हैं एकदम सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, माउंट धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच इंडियन स्टेट? यहाँ पर जो ऑप्शन में है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका। यहाँ पर धूपगढ़ जो है ये कौन सी राज्य का हाईएस्ट पीक है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर कर्नाटका। गड़िया पूजा कहते हैं इसको। वेस्ट बंगाल आ रहा है इसका आंसर, तो कोई बोल रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। यस, एमपी, मध्य प्रदेश बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? कौन से दिन में विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस को मनाया जाते हैं? नया नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए है 44, कब मनाया जाता है ये? मध्य प्रदेश आप सभी का आंसर सही था। अभी यहाँ दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? 14 दिसंबर, 19 दिसंबर, जून, 29 जनवरी और 6 मार्च। वेरी गुड, 14 दिसंबर इज द राइट आंसर। रिसेंटली हुआ है, 14 दिसंबर इज द राइट आंसर।
45. Who is the author of the book A Song of India? Who is the author of the book Song A Song of India? ये पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक के लेखक कौन है? Who is the author of this book? Okay, A. रस्किन बॉन्ड. बहुत बढ़िया, काफी आंसर आ रहे हैं यहां पर. रस्किन बॉन्ड. प्रभाकर जी, फिर हम जो कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते हैं, ये हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं आपको, गारंटी के साथ. चलिए 45, द राइट आंसर इज रस्किन बॉन्ड. 45, द राइट आंसर इज रस्किन बॉन्ड. चलिए 46. In which part of India is the Kudremukh National Park situated? Kudremukh National Park कौन सी राज्य में ये belong करते हैं? कौन से राज्य से ये स्थित है? Yes, रोहित जी, absolutely right. चलिए अभी आते हैं नया next question में हम लोग आ गए हैं, तो बताइए इसका answer. कर्नाटका, इसका आंसर आ रहे हैं काफी लोगों से, कर्नाटका. एंड एब्सोल्युटली राइट, द राइट आंसर इज कर्नाटका. कर्नाटक इज द राइट आंसर. 47, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स इज लोकेटेड एट. कौन से देश में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड साइट इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है? क्वेश्चन नंबर 47 आ गए है, अभी दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, जल्दी से बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. अंशी एंड कुद्रेमुख बोथ इन कर्नाटक. यस, एब्सोल्युटली राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ गए है. पेरिस फ्रांस, ये आंसर आया है, तो कुछ लोग बोल रहा है ज्यूरिख न्यू स्विट्जरलैंड, स्किप भी किए है कोई. चलिए राइट आंसर इज पेरिस फ्रांस. द राइट आंसर इज पेरिस फ्रांस. वैद्यरत्नम आयुर्वेदा म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? वैद्यरत्नम आयुर्वेदा म्यूजियम ये भारत की किस भाग में स्थित है? केरला, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड? अभी तुम लोगों के जैसा अगर नॉर्मल बन जाएंगे तो क्या मजा आया है ना, है ना? बोलो क्या है ये प्रभाकर जी? अभी हम अगर आप लोगों के जैसा बन जाएंगे तो क्या फायदा. चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. 48 का आंसर आ रहे हैं डी, उत्तराखंड. लोग कह रहे हैं इसका आंसर होगा उत्तराखंड, तो इसका आंसर दे देते हैं. द राइट आंसर इज त्रिशूर केरला. द राइट आंसर इज त्रिशूर केरला. क्वेश्चन नंबर 49. खोरिया डांस, इट इज अ फोक डांस. खोरिया डांस ये एक फोक डांस होता है. ये कौन से राज्य का लोक नृत्य है? ये कौन से राज्य का लोक नृत्य है? मिजोरम की, पंजाब की, उत्तर प्रदेश, और यहां पर कोई भी आंसर सही नहीं है. नन ऑफ दिस. मिजोरम आ रहे हैं इसका आंसर. अच्छा, शारद जी ने बोल रहे हैं डी. चलिए इसका काफी आंसर आ रहे हैं. ओके फाइन. वेरी गुड, अर्घ्य रूपा स्वयं. वेरी गुड, द राइट आंसर इज नन ऑफ दिस. क्योंकि ये खोरिया डांस जो है ये हरियाणा की एक फोक डांस है, ये वहां के लोक नृत्य है. ठीक है, हरियाणा इज द राइट आंसर. एंड द लास्ट क्वेश्चन, भरकोट एयरपोर्ट ये कौन से राज्य में स्थित है? भरकोट एयरपोर्ट ये कौन से राज्य में स्थित है?
कर्नाटका, उत्तराखंड, राजस्थान या केरला? ना ना बाबू, राजेश जी ये गुजरात नहीं होगा, वो हरियाणा होगा। अब इसका आंसर दीजिए, भरकोट एयरपोर्ट ये कौन सी राज्य में है? चलिए, कर्नाटका, उत्तराखंड या राजस्थान या केरला में, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। राजस्थान, बहुत लोग बोल रहे हैं इसका आंसर राजस्थान। यस राजेश जी, एब्सोल्युटली राइट आंसर, द राइट आंसर इज उत्तराखंड। रोहित ने भी आंसर ने सही दिए है, उत्तराखंड आपका सही जवाब है, उत्तराखंड इसका सही जवाब है। ठीक है, तो चलिए आज की 50 क्वेश्चन एमसीक्यू जो है आज के लिए समाप्त होते हैं यहाँ पर। हर दिन ऐसे हर एक चैप्टर की, जैसे कि आज बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जी के लेकर मैं आई थी, वैसे हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हर दिन, क्योंकि अभी जो टाइम आ गया है हम लोगों को ऐसे प्रैक्टिस करना है, नथिंग एल्स। अभी हम लोगों को जो चाहिए प्रॉपर प्रैक्टिस, तो आपके लिए वो प्रॉपर प्रैक्टिस करवाने के लिए, आप सभी के लिए हर दिन 3 बजे से मैं हाजिर रहूंगी, स्वामी महंदास मैं हाजिर रहूंगी आप लोगों के साथ। तो सभी को थैंक यू, थैंक्स अलॉट सेशन में जुड़ने के लिए। आगे से भी आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे, और बिल्कुल मत भूलिए इस चैनल को लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करने में। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। देवदीप, आज मैराथन नहीं था, लास्ट क्लास जो हुआ था वो 2 घंटे की मैराथन था, पर आज जो है ये 1 आवर, अभी ये डेली बेसिस में ही चलेगा। ओके, नेक्स्ट वन आप लोग जब नेक्स्ट फिर से हम लोग आप लोगों के साथ हम लोग मिलेंगे, तो फिर से हम लोग नेक्स्ट सेशन आप लोगों के साथ फिर से कल दोपहर 3 बजे है, फिर से आप लोगों के साथ कल दोपहर 3 बजे मुलाकात होगा। सो थैंक यू, थैंक्स अलॉट सेशन में जुड़ने के लिए। जो लोग नहीं भी जुड़ पाए वो लोगों को भी थैंक यू एंड गुड नाइट। चलिए, एंड ऑल द बेस्ट, सभी लोग अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए और तैयारी जम के कीजिए, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। थैंक यू, थैंक्स अलॉट।